हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है एक ब्रांड न्यू वीडियो है, क्योंकि ये जो बाइक है N250 जो बजाज ने न्यूली लॉन्च किया था N250 को। सो गाइस, लॉन्च होने के बाद काफ़ी अच्छा मार्केट लिया है N250, बट इसका जो और एक मॉडल है F250 वो अच्छा खासा मार्केट नहीं ले पाया है। सो गाइस, N250 का डिटेलिंग रिव्यू किसी का चाहिए तो मैं आप लोग को आई बटन में लिंक दे दूंगा, उधर जाकर आप लोग चेक कर लेना। नहीं तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर जाकर आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। तो गाइस, N250 जो है ये मॉडल, तो इसका मैं आप लोग को आज सर्विस का थोड़ा रिव्यू देने वाला हूँ, सर्विस डिटेलिंग बताने वाला हूँ, तो कौन सा कितना कॉस्ट आ रहा है एंड क्या क्या पार्ट चेंज होने वाला है, क्या क्या नहीं। और गाइस, इसका जो इंजन है 250 cc का इसका इंजन है, तो 250 cc में कितना मोबिल चाहिए, कितना मोबिल यूज़ करना होगा N250 में, सब कुछ मैं आप लोग को बता दूंगा। तो लास्ट तक जरूर वीडियो को देखते रहना। अगर मेरे चैनल में आप लोग नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना। सो गाइस, फास्ट जो काम किया जा रहा है इसका मोबिल ड्रेन होगा, ठीक है। तो गाइस, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो बजाज का जो डोमिनर 250 है और जो N250 है, दोनों का इंजन अलग है। ये जो इंजन है N250 का, ये फुल नया एक इंजन लॉन्च किया है बजाज ने, जो इस इंजन और डोमिनर 250 का इंजन बहुत डिफरेंस है। तो गाइस देखिए, जो N250 है इसका इंजन ऑयल ओपन करने के लिए आप लोग को पहले इसका बेली कवर ओपन कर लेना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जो इसका बेली कवर ओपन हो चुका है, ओपन होने के बाद इसका ड्रेनर ओपन होगा, ओपन होने के बाद इसका मोबिल भी और ड्रेन हो जाएगा। तो गाइस, और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो डोमिनर 250 है उसमें जो मोबिल चाहिए सर्विस का टाइम है 1.7 लीटर, बट N250 में ऐसा कुछ मोबिल नहीं चाहिए, मतलब दूसरा कोई क्वांटिटी है इसका इंजन ऑयल का, वो बात मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। सो गाइस, N250 में फ्रंट वाला डिस्क है ग्रेमिका कंपनी का है। तो गाइस, इसका जो फ्रंट वाला डिस्क पैड है तो ये ओपन होगा, ओपन करने के बाद देखा जाएगा क्या कंडीशन में है। तो ओपन होने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ चेंज होगा क्या नहीं। और गाइस, मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, तो ये जो सर्विस हो रहा है, जो N250 का सर्विस हो रहा है, ये 2 नंबर सर्विस हो रहा है। तो गाइस, 2 नंबर सर्विस कितना किलोमीटर में करना चाहिए मैं आप लोग लास्ट में सब कुछ दिखा दूंगा एक साथ। तो गाइस, ये जो सर्विस हो रहा है, ये 2 नंबर सर्विस हो रहा है, तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो N250 का जो 2 नंबर सर्विस फर्स्ट सर्विस जो है, इसका दोनों का कॉस्ट एक ही लगता है, कुछ चेंज नहीं है। और जो थर्ड सर्विस होगा वो थोड़ा डिफरेंस सर्विस होगा, मैं आप लोग को सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। तो इसका फ्रंट वाला डिस्क पैड ओपन हो चुका है, तो मैं आप लोग को इसका डिस्क पैड भी दिखा दे रहा हूँ, डिस्क पैड का मॉडल। तो थर्ड सर्विस में इसका मैं प्राइस भी आप लोग को दिखा दूंगा। तो ये सर्विस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ठीक ठाक है, तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, जस्ट इधर इमडी पेपर से क्लीन कर देगा। तो गाइस, मैं आप लोग को ओपनली सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, यानी N250 का सर्विस। तो गाइस, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप लोग N250 का ओनर है तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है सर्विस जाने का आगे। तो गाइस, चलिए मैं अभी आप लोगों को इसका क्वालिटी दिखा दे रहा हूँ, जो मोबिल का क्वालिटी जो ड्रेन हुआ है, तो आप लोग इधर देख लीजिए। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं जो इसका मोबिल का क्वालिटी। तो गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो फर्स्ट सर्विस एंड सेकंड सर्विस का जो मोबिल का क्वालिटी रहता है, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, ठीक ठाक ही रहता है। तो गाइस देखिए, इसका फ्रंट वाला जो डिस्क पैड था, ये क्लीनिंग हो रहा है, तो इसका इमडी पेपर से क्लीनिंग होता है, तो इमडी पेपर से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जब डिस्क पैड डिस्क को कैच करता है तो अच्छा करके ग्रिप करे, उसलिए हर सर्विसिंग में ऐसा करके क्लीन करना पड़ता है। तो ये क्लीन कर दे रहा है सर्विसिंग में, तो ऐसा करके आप लोगों का बाइक में सर्विस होगा शोरूम पे सर्विस करने से। तो ये जो डिस्क पैड है, ये पीछे वाला है, तो इसका भी क्लीन हो रहा है, क्योंकि ये भी चेंज नहीं होगा, ये आई होप थर्ड सर्विसिंग में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, ख़राब नहीं होने से चेंज नहीं होगा। अगर ख़राब हो जाता तो चेंज हो जाता, तो मैं आप लोगों को प्राइस भी दिखा देता। तो गाइस, आई होप आप लोगों को मैं थर्ड सर्विस में इसका प्राइस भी दिखा दूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो गाइस, क्लीन हो चुका है सब कुछ, तो अब सेटिंग होगा, तो सेटिंग हो रहा है फ्रंट वाला डिस्क, तो गाइस सेटिंग हो जाने दीजिए। और गाइस, मैं आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उधर जाकर आप लोग चेक कर लेना, उधर मैं आप लोगों को सब प्राइस दे दूंगा, इसका सेकंड सर्विस का कितना कॉस्ट आया है, एंड फर्स्ट सर्विस एंड सेकंड सर्विस का एक ही कॉस्ट है। मैं सेकंड सर्विस का वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, जो फर्स्ट सर्विस में जो काम होता है सेम काम होता है, और सेकंड सर्विस में जो काम होता है एकदम सेम काम होता है। तो इसका जो प्राइस है, प्राइस भी सेम होगा। तो गाइस, मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर जाकर चेक कर लेना। तो गाइस, इसका काम हो जाने दीजिए फ्रंट वाला, तो फ्रंट वाला डिस्क पैड सेटिंग होने के बाद नेक्स्ट जो काम होगा मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस, इसका और एक चीज़ चेंज होगा, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो N250 का जो इसका ऑयल फिल्टर है, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा।
तो हर सर्विसिंग में ये चेंज कर लेना आप लोग, तो ये चेंज जरूर करना चाहिए हर सर्विस में, क्योंकि ये जो ऑयल है, जो मोबिल है, उसको फिल्टरिंग करता है, जो ऑयल फिल्टर रहता है इंजन का अंदर, तो ये चेंज करना चाहिए हर सर्विस में। तो ये मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो गाइस इधर आइए देखिए। तो ये है इसका ऑयल फिल्टर जो N250 का, तो इसका मॉडल आप लोग देख लीजिए। एंड इसका क्या प्राइस है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर जाकर आप लोग चेक कर लेना। तो इधर देखिए गाइस, जो सर्विस का टाइम में क्या कंडीशन हो जाता है इसका ऑयल फिल्टर का, तो हर सर्विसिंग में आप लोग जरूर ये चेंज करवा लेना N250 का। तो गाइस इसका नया वाला ऑयल फिल्टर इधर ऐड हो चुका है, जो इधर इंस्टॉल हो जा रहा है इसका। तो इसका प्राइस मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो इसका पार्ट नंबर है JG571014, तो इसका जो MRP प्राइस है 76 रुपीज़, जो ये आप लोगों को शोरूम पे मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को जरूर चेंज करवा लेना होगा हर सर्विस में, तो इसका प्राइस भी कम है, आप लोग जरूर चेंज करवा लेना। तो गाइस अब आते हैं इसका पीछे, तो पीछे जो इसका जो चेन है, तो इधर देखिए गाइस, जो हर सर्विस में आप लोग को एक चीज़ करवा लेना होगा, जो इसका चेन है, चेन को अच्छा करके एडजस्ट कर लेना होगा, ज़्यादा टाइट नहीं देना है, ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, तो एडजस्ट कर लेना होगा अच्छा तरीके से। तो गाइस इसका ये जो चेन है N250 में, इधर आप लोग कभी भी मोबिल मत यूज़ करना, मोबिल एंड ग्रीच मत यूज़ करना, इधर आप लोग को चेन क्लीनर एंड चेन स्प्रे से आप लोग को चेन को मेंटेन रखना है। तो हर सर्विस में ये चीज़ आप लोग करवा लेना शोरूम पे, शोरूम पे नहीं करवाने से आप लोग घर पे कर सकते हैं। तो चेन जो चेन कैसे करके मेंटेन करता है, चेन कैसे करके क्लीन करना चाहिए, इसका वीडियो भी मेरे चैनल में है, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो आप लोग आई बटन में भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस आप देखा देता है इसका मोबिल, तो ये देखिए ये गाइस ये है बजाज का डिटेल्स है इंजन ऑयल, जो इसका 20W50 का ग्रेड का मोबिल ही चाहिए N250 में। जो इसका जो मोबिल का क्वांटिटी है, जो मोबिल का कैपेसिटी है, हर स्पेसिंग में आप लोग को 1300 ml मोबिल चाहिए N250 में, जो मैं आप लोग को मैनुअल बुक में भी दिखा दूंगा। सो गाइस देखिए N250 का इधर रहता है इसका एयर फिल्टर, तो ये जो एयर फिल्टर है N250 का, तो ये चेंज नहीं होगा, ये जस्ट इसका एयर फिल्टर से क्लीनिंग किया जा रहा है। तो आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस में ऐसा करके क्लीन करवा लेना होगा शोरूम पे। तो गाइस ये क्लीन करना क्यों चाहिए, क्योंकि इसका ऊपर ही बहुत जो बाइक का जो साउंड है, जो साउंड डिपेंड करता है बाइक का, तो इसका क्लीन करने का रीज़न यही है, जो बाइक का साउंड स्मूथली अच्छा एक क्वालिटी का साउंड निकल कर आता है। एंड इसका जो बाइक का जो पावर है, पावर बहुत डिपेंड करता है एयर फिल्टर का ऊपर, तो ये एयर फिल्टर मेंटेन रखने के लिए आप लोगों को हर सर्विस में इसको क्लीन कर लेना होगा। तो गाइस देखिए क्लीन करने के बाद इधर इंस्टॉल हो जा रहा है, तो इंस्टॉल होने के बाद इसका काम कंप्लीट है। तो गाइस ये जो एयर फिल्टर है, इसको आप लोग को चेंज करना होगा थर्ड सर्विसिंग में, आप लोग जरूर याद रखना, थर्ड सर्विसिंग में आप लोग जरूर चेंज करवा लेना। जब तक और जो एयर फिल्टर का जो रूल्स है, 10,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद चेंज करना चाहिए इसका एयर फिल्टर। तो गाइस N250 का सर्विस डन, मतलब सेकंड सर्विस कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस मैं आप लोगों को और एक बार बता दे रहा हूँ, जो N250 का जो सर्विस कॉस्ट है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस का जो कॉस्ट आता है, सो सेम कॉस्ट आता है, तो इसलिए मैं फर्स्ट सर्विस का वीडियो नहीं किया, मैं आप लोगों को सेकंड सर्विस ही वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस का जो सर्विस कॉस्ट है सेम सर्विस कॉस्ट है। तो टोटल सर्विस कॉस्ट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर जाकर आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। और गाइस आप लोगों का और कोई बाइक का सर्विस का वीडियो चाहिए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लेना, उधर आप लोगों को मिल जाएगा। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को N250 का मैनुअल बुक में कुछ चीज दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये रहा N250 का मैनुअल बुक, ठीक है, तो आप लोगों को सर्विसिंग का टाइम में ये बुक लेके जाना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, जो इसका सर्विस टाइम जो है, जो तीन टू सर्विस आप लोगों को फ्री मिल जाएगा कंपनी से, तो उसका एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो N250 में जो जिस ग्रेड का मोबाइल चाहिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो बजाज डिटेल्स है 20W50 इस ग्रेड का मोबाइल यूज़ करना होगा आप लोगों को, ठीक है, N250 एंड F250 दोनों में। और इसका जो मोबाइल का क्वांटिटी है, मतलब कितना मोबाइल आप लोगों को सर्विस का टाइम में डालना होगा आप लोगों को, इधर देखिए गाइस। तो गाइस देखिए ये आप लोगों को रिफिल एट सर्विस जो 1300 ml मोबिल चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग इंजन ओवरऑल, ये है आप लोगों का, जब आप लोग इंजन खोलेंगे, मतलब इंजन का काम होगा, तब आप लोगों को 1700 ml यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका इंजन ऑयल का। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो गाइस देखिए इसका सर्विसिंग जो टाइम, आप लोग गाड़ी परचेस करने के बाद फर्स्ट जो सर्विसिंग होता है वो 500 से 750 किमी का अंदर आप लोग को करना होगा, नहीं तो 30-45 डेज़ का अंदर, और उसके बाद नेक्स्ट जो सर्विसिंग है 240 डेज़ का अंदर, नहीं तो आप लोग को 4500 से 500 किलोमीटर का अंदर, जो इस बाइक जो 500 किलोमीटर का अंदर ही हुआ है सर्विसिंग मेरा। और थर्ड जो सर्विसिंग है 900
सॉरी 9500 से 10000 का अंदर आप लोगों को करना होगा, नहीं तो 360 डेज का अंदर आप लोगों को सर्विस कर लेना होगा। तो गाइस ये रहा सर्विस डिटेल्स बजाज पल्सर N250 का। तो सर्विस डिटेल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।